welcome students in our science class today we will discuss about our ninth chapter reproduction in plants students re means again and production means to produce so in this chapter we will discuss about the methods of production of the new organism in plants ओल लिविंग ऑर्गेनिजम हैव अ लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई स्टूडेंट्स हर लिविंग ऑर्गेनिज़म जिसने वर्ल्ड में इस दुनिया में बर्थ लिया है वो कुछ फिक्स टाइम के बाद डाई हो जाता है नो ऑर्गेनिज़म लिवज फॉर एवर हाउ एवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई the ability to reproduce is a common characteristic of all living organisms. students, firstly, i will tell you about the meaning of reproduction. the process by which living organisms can produce more of their own kind is known as reproduction. students, wo process jisme sabhi living organism. डाई होने से पहले अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देती हैं डैट प्रोसेस इज नोन एज रीप्रोडक्शन स्टूडेंट्स वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आप सभी के माइंड में ये बात आएगी कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहता तो वो डाई होने से पहले अपने ही जो स्पीसीज़ हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए अपने ही लिविंग अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं दैट्स वाई रीप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी रीप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आए हैं उनके ही जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी स्पीशीज को कंटिन्यू कर सकें स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रूट स्टेम लीव्स फ्रूट फ्लावर एंड सीड्स इसमें सभी में से रूट्स स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड फ्लार इज़ द रीप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इट मीन्स जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लार की वजह से होती है और जो वेजिटेटिव पार्ट हैं वो कौन सी हैं रूट स्टेम एंड लीव्स नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ रीप्रोडक्शन इन प्लांट्स द मैथड ऑफ रीप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन टू टू मेन कैटेगरीज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है असेक्शुअल एंड सेक्शुअल लेटस डिस्कस अबाउट द अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल कैन रीप्रोड्यूस ओन इट्स ओन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज स्टूडेंट्स रीप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है डैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इधर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बैक्टीरिया सेल का तो जो बैक्टीरिया सेल है धीरे धीरे ग्रो करने के बाद वो अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें टू पेरेंट्स की नीड नहीं होती डैट रिप्रोडक्शन इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं जैसे इसके टाइप्स हैं बर्डिंग सम ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट यीस्ट है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोडक्शन अ टाइप की होती है कैसे बाय प्रोड्यूसिंग अ बर्ड स्टूडेंट्स यीस्ट इज ए यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ अस नो दैट यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच हैव ओनली सिंगल सेल सो इसमें क्या होएगा ये पेरेंट सेल है यीस्ट का धीरे धीरे पेरेंट सेल से पेरेंट सेल में ये बर्ड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी बर्ड क्या होता है आउट ग्रोथ पार्ट ऑफ अ प्लांट जिसमें थोड़ा सा ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है धीरे धीरे ये जो बर्ड है बड़ी होती जाएगी एंड रेडी टू डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियर और ये टू डॉटर पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाएगी आफ्टर दैट ये जो बर्ड है इस पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगी बिल्कुल अलग हो जाएगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी डैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड बर्डिंग इन यीस्ट एंड एक सिंगल पेरेंट से एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन और होगी डैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थैंक यू